खुद को कभी चंपू फील किया है? मैं कर रही हूँ इस समय, क्योंकि बालों में मैंने बहुत चोपड़ा है तेल, जिसकी वजह से चंपू काफ़ी ज़्यादा दिख कर आ रही हूँ। और चश्मिश लुक तो वैसे ही चंपू दिखाने में नंबर वन होता है। तो चलिए नहा धोकर मैं आपको आज एक सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल दिखाना चाहूँगी, जो कि बनाएगा चंपू से ग्लैमरस। सो मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर फ्रेश। और कैसी लग रही हूँ? पहले से तो बेहतर लग रही हूँ, चंपू बिल्कुल नहीं लग रही हूँ। आज मैंने वाइट कलर की साड़ी पहनी है विद दिस ब्लाउज जो मैंने आल्टर किया था। वैसे मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ और ये मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, purple.com पर चल रही है मॉनसून मेनिया सेल, 20% से 50% ऑफ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, अगर आप शॉपिंग करते हैं 799 रुपीज़ की, तो आपको 165 रुपीज़ का इसेंशियल ऑयल फ्री मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप 999 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं, तो आपको 220 रुपीज़ का एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूँ कि 5% ऑफ मिलेगा अगर आप प्रीपेड शॉपिंग करते हो। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरा नीचे दिया गया कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स पर बहुत अच्छी सेल चल रही है। तो चलिए मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे तैयार होती हूँ अपने वीडियोज़ के लिए। और हाँ, और एक चीज़, अच्छी खासी सेल है, मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पल्स पॉइंट पर ये परफ्यूम क्रीम जो गुड वाइब्स की मुखालात है, इसे लगाने वाली हूँ। इसकी ये जो रोज़ एंड जैस्मिन वाली खुशबू है, वो इतनी मनमोहक है कि माइंड को फ्रेश करती है। ये पैराबिन फ्री है, क्रीम बेस होने की वजह से लगाना आसान है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसी के बाद गुड वाइब्स की पोमोग्रेनेट स्किन रिपेयर फेशियल ऑयल को मैं लगा रही हूँ, जिससे स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और ये हेल्प करता है एक्ने को रिड्यूस करने में। इतना ही नहीं, ये स्किन पर इतनी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है कि स्किन इमीडिएटली बहुत ज़्यादा प्लम एंड मॉइस्चराइज लगने लगती है। उसी के बाद मैं अपने मेकअप को स्टार्ट करने से पहले पर्पल का ट्रू ज्वेल 24K गोल्ड प्राइमर लगाने वाली हूँ। ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, स्किन पर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, टेक्सचर स्किन का बहुत अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से मेकअप जो है बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है और लंबे समय तक टिका रहता है। और ये 24K गोल्ड के साथ आता है, जिसकी वजह से स्किन पर इसका एक एजिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी काम आता है। उसी के बाद यहाँ पर जो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये है आई एम्स्टरडम का विटामिन ई इनरिच लिक्विड फाउंडेशन। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है। ये छोटा सा दिखता ज़रूर है, पर ये थोड़ा सा ही लिक्विड फाउंडेशन स्किन पर बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है और टेक्सचर इसका इतना क्रीमी है, जिसकी वजह से ये स्किन पर बहुत हल्का फील होता है। इसी के बाद मैं पर्पल का कन्वर्ट ऑपरेशन गार्डियन कंसीलर पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास ये सिटी एजेंट 1 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, लॉन्ग लास्टिंग है। और इतना ही नहीं, ये आता है 6 कलर्स के साथ, जिससे आप अपनी स्किन को परफेक्ट बना सकते हो। डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, हर चीज़ को आसानी से हाइड कर सकते हो। स्किन पर ये इतनी आसानी से स्प्रेड होता है कि आपको फील ही नहीं होता कि आपने कोई कंसीलर भी स्किन पर लगाया है। उसी के बाद मैं आई एम्स्टरडम का SPF 50 वाला ये कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मुझे ये कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करना हमेशा से ही पसंद आया है, मेरा शेड है 3। ये स्किन को इमीडिएटली फ्रेश बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, जिसकी वजह से चेहरे पर थोड़ा भी ऑयल नहीं आता है और ये बिल्कुल भी केकी स्किन पर नहीं दिखता है। अब मैं अपने आई मेकअप को स्टार्ट करने से पहले स्टे क्वर्की का ये जो साइट आई प्राइमर है, इसे लगाऊंगी। इसकी वजह से मेरा जो आई मेकअप है वो उठकर आता है। ये सिलिकॉन बेस आई प्राइमर है और हमेशा जब भी मैं आई प्राइमर लगाती हूँ, मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा दिखने लगता है, इसलिए मैं इसे कभी मिस नहीं करती हूँ। उसी के बाद NYB का ब्लिंकिंग आई शेडो, ये जो छोटे छोटे आई शेडो क्वाड है, ये मेरे पास है। मैं 7 नंबर और
नंबर 12 का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, एट द सेम टाइम बहुत ही इनका टेक्सचर क्रीमी है, बिल्कुल ऐसा पाउडरी या फिर ऐसा केकी नहीं है, बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। इसकी वजह से मुझे ये बहुत पसंद आते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना जो आई मेकअप है वो कम्प्लीट किया है। उसके बाद मैं एसक्यू का बैड एस वाला ये लाइनर लगा रही हूँ। ये लाइनर का जो एप्लीकेटर है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आई लाइनर बहुत अच्छे से लग जाता है। ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है और उसी के साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसी के बाद मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपनी आईब्रोज़ को भरने के लिए NYBAC का ये आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, आसानी से ये आईब्रोज़ में लग जाता है। सिंपल स्ट्रोक से ही आपकी आईब्रोज़ जो है वो डिफाइन लगने लगती है और ये इतना नेचुरल लगता है कि लगता ही नहीं है कि हमने हमारी जो ब्राउज़ है उन्हें भरा है। अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का वॉक फ्री वाटरप्रूफ लॉन्ग लैश मस्कारा का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि स्मच प्रूफ है और उसी के साथ आप देख सकते हैं ये लैशेज को कितना अच्छा एक लुक देता है, जिससे लगता है कि लैशेज मैंने फेक लगाई है। उसी के बाद एल ए गर्ल का जस्ट ब्लशिंग ये जो ब्लश है इसे मैं लगा रही हूँ, जो कि इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट लगता है, नेचुरल लगता है, कहीं से भी ओवरडू नहीं लगता है। और उसी के बाद जो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पर्पल का टू मच डुअल हाइलाइटर ग्लोइंग मच वन। इसमें आपको कई और शेड्स भी मिल जाएंगे। ये जो मेरे पास हाइलाइटर है ये हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर दोनों के साथ आता है। ये एक स्टिक फॉर्म का हाइलाइटर है जो लगाने में आसानी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने की वजह से ये स्किन को आप ये ग्लोइंग बनाकर रखता है। और उसी के साथ ये बिल्कुल भी ऐसे चंकी ग्लिटर्स के साथ नहीं आता, बहुत ही फाइन डस्ट ग्लिटर्स है, जिसकी वजह से हाइलाइटिंग पॉइंट्स आपके चेहरे पर बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और उसी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पर्पल की प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रेयॉन ट्रेजर हंट टाइम 5 लगा रही हूँ। ये लिप शेड बहुत ही प्यारा है, एट द सेम टाइम इस लिप शेड का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी है, पटरी है, आसानी से लग जाता है और ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। एक बार लगा लो आपको बहुत घंटे तक रीटच नहीं करना पड़ेगा और शेड्स इतने प्यारे हैं इस लिप क्रेयॉन में कि एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जो मेकअप लुक है वो कम्प्लीट हो गया। आई नो आप मेरा मेकअप लुक हेयर बैंड के साथ देख रहे हैं, तो चलिए मैं हेयर बैंड निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरा ये मेकअप लुक। एंड ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, मेकअप लुक मेरा परफेक्ट हुआ है। इस मेकअप लुक के साथ आप काफ़ी सारे आपके इंस्टा वीडियोज़, रील्स ये सारे शूट कर सकते हैं या किसी इवेंट के लिए इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स की जो ऑफ़र्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। मैं आपको बता दूँ प्लम के प्रोडक्ट्स पर, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पर इतनी अच्छी सेल चल रही है, वाव के प्रोडक्ट्स पर, जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए एक बार वेबसाइट चेक ज़रूर करें पर्पल की। और इस मॉनसून मेनिया सेल का 20% से लेकर 50% ऑफ का मज़ा ज़रूर ले। मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये मैस देख रहे हैं, ये सब ठीक करूँगी। उसी के साथ मैं आपको मेरा पूरा एक साड़ी लुक दिखाना चाहूँगी, चलिए पहले वो दिखा दूँ। ये कि क्या ऐसा कौन रहता है घर में, है ना? आई नो ऐसे कोई घर पर नहीं रहता, इनफैक्ट घर पर सब लोग कंफर्टेबल क्लोथ्स के साथ रहते हैं एंड मोस्टली नो मेकअप के साथ रहते हैं, बट मेरा जो प्रोफेशन है उसकी वजह से मुझे मेकअप लगाना पड़ता है एंड थैंकफुली ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेकअप करना, तैयार होना, और इसीलिए इस प्रोफेशन को मैं इतने हैप्पीली कर पाती हूँ। बट मैं जानती हूँ कि हर किसी के लिए ये नॉर्मल नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता, पर ठीक है, अब मैं जिस प्रोफेशन की हूँ वही दिखाऊंगी ना कि मैं इस तरह से अपना दिन स्पेंड करती हूँ। तो वैसे मैं अपना ये शूट स्टार्ट करने से पहले खाना बना चुकी हूँ और ये देखिए आज मैंने बनाया है करेले। तो ये है करेले की कलौंजी जो यूपी स्टाइल में बनाई है और आज दो तरह का दूध आया है घर में,
ये है भैंस का, ये है गाय का, और ये मैं काट कर रखी थी। चलिए इसे डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ सैलेड को। तो चलिए अम्मा को भी बुला लूँ। और आजकल आपने देखा ये वाली चीज़ मेरी थोड़ी सी पतली हो गई है, थोड़ी सी, मुझे नहीं पता, आप ही बताइएगा। हेलो हेलो गौरव, कैसे लग रही हूँ? ये साड़ी कैसी अच्छी लग रही? अम्मा को एक्चुअली लाइट कलर्स बिल्कुल नहीं पसंद, हल्का कलर है। कैसा लग रहा है? नो रिएक्शन। ये टोटली मूड स्विंग्स वाली वो है, ठीक है, ऐसा होता है मेरे साथ, नया नहीं है, हमेशा होता है। अम्मा मूड में रहती तो बहुत बात करती है, वरना कुछ बात नहीं करती। तो डाइनिंग टेबल पर सूख रहे हैं आलू प्याज इसलिए अम्मा वहाँ पर खाना खाने बैठी और हम दोनों यहाँ पर, और अनिका अपने रूम में क्लास करते हुए ही खा रही है क्योंकि इसका क्लास भी है। कलौंजी बनाया मैंने आज, बहुत दिनों बाद बनाया है। राज को कुछ दो या ना दो, कलौंजी दे दो बस, आंवला की चटनी और आंवला की चटनी, ये दो चीज़ दे दो बस, उनका है कि बस मेरे लिए इनफ है खुशी से खाते हैं उन्हें ज़्यादा मतलब खुश करने के लिए तामझाम काम नहीं करना पड़ता। वैसे खुश करने के लिए नहीं बनाया, बहुत दिनों से नहीं बनाया था, बहुत टेस्टी है ना। करेले कलौंजी और आंवला की चटनी, दाल में थोड़ा सा घी डाल के खाओ बस, इनफ, इससे ज़्यादा फिर लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कल आपको क्या बोला था, राज बहुत देर तक पानी सब्जी धोया, पानी के उसमें थे कॉन्टैक्ट में, और उनके हाथों पर थोड़ा सा एलर्जी हो गई, एलर्जी जैसा हो गया है, छोटे छोटे ऐसे वो आ गए हैं पिंपल्स। तो मेरे पास है बेटाडीन, उसको मैं लगा देती हूँ राज को। पहले का तो नहीं ना, अगर छू लिया तो? नहीं बाबा, दोनों में लगा रही हूँ। तो लगा दिया है राज को, अब राज थोड़ा आराम कर लेंगे क्योंकि ये लगाने के बाद एक हाथ दो घंटा हाथ तो नहीं धोना है। और मैं अब कुछ नहीं करूँगी किचन का काम, मैं अपना शूट ख़त्म करूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना तैयार होने का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा राइट। तो अभी अपना शूट ख़त्म करती हूँ और उसके बाद ये मेस जो मैंने किया है वो ठीक करूँगी, और वही अपना किचन। किचन कहाँ जा रहा है, किचन कहीं नहीं जाता। तो देखते देखते 5:20 हो गया है और टाइम कब में निकल गया पता भी नहीं चला, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। सो मैं अपनी एक क्लिप ढूंढ रही हूँ जो मैंने कहाँ कॉपी कर दी है, वो मिल नहीं रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लिप है मेरे लिए, और अब मैं सर्च कर रही हूँ कहीं तो मिल जाए, कहीं रखी है मैंने पर मिल नहीं रही है। चलिए उसे खोज लूँ और सबसे पहले यहाँ से उठूँ और किचन में जाकर काढ़ा बनाऊँ। तो ये बन रही है अम्मा के लिए चाय, हम दोनों के लिए काढ़ा। अम्मा काढ़ा नहीं पीते, अम्मा को काढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता इसलिए अम्मा के लिए काढ़ा नहीं बनता, अम्मा चाय पीती है। ये है गाय का दूध और ये है भैंस का दूध। 5 बजे तो लास्ट क्लिप आपको कितनी समझ में आई कितनी नहीं मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं कि अम्मा दवाई मांग रही थी। अम्मा की दवाई का समय है 7 बजे का, जब उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है, और सुबह उन्हें नाश्ते से पहले एक शुगर की दवाई दी जाती है और फिर रात में इंसुलिन लगता है। पर एवरीडे अम्मा हर कुछ घंटे में कम से कम 10 टाइम्स
दवाई मांगती है। हमारे लिए सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उन्हें कौन सी दवाई दें जब है ही नहीं तो। एंड जब हम दवाई देते हैं तो वो बोलती असर नहीं कर रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। हम लोग समय समय पर उनका ब्लड टेस्ट भी करवाते रहते हैं कि हो सकता है दिक्कत हो रही होगी। हमने इतनी मुश्किलों भरे हालात में भी ब्लड टेस्ट वाली को घर पर बुलाया था, इनका ब्लड टेस्ट करवाया, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग नॉर्मल। बट वो एक बोलते हैं ना, दिमाग में उनके बैठ गया है कि मुझे दवाई जो है नहीं दी है, या मैंने तो वो भूल जाती तो मुझे कब दी है, मेरे सामने तो दी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में ना मैं और राज इतने परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से इन्हें मतलब वो चीज़ मतलब वो करवाए कि नहीं आपको दवाई दी गई है, जो दवाई हम दे रहे हैं वो सही है, आपकी दवाई बस इतनी है। मतलब उनके दिमाग में इतना ज़्यादा वो दवाई दवाई चलता है ना, उस चीज़ के साथ बैलेंस करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि वो बहुत हाइपर हो जाती है अपने दवाइयों को लेकर, इसीलिए जब वो टीवी वगैरह देखती रहती है ना तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है एंड फिर वो दवाइयों के लिए नहीं सोचती है। एंड देन शी इज़ लाइक कि हाँ जो चल रहा है सही चल रहा है, बट जब वो टीवी वगैरह नहीं देखती है ना तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है, मुझे आज ये दवाई नहीं दी, आज मुझे इन लोगों ने ये दिया ही नहीं, ये लोग मुझे मतलब पूरी तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ना कई बार ओवरपावरिंग हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अभी बहुत स्मूथली आपको दिख रहा है, बट वो जब हाइपर हो जाती है, इतना गंदी तरह से हाइपर हो जाती है कि फिर आप सोच नहीं सकते हो कि फिर वो मतलब सबको डांटना, गुस्सा करना और सब कुछ चालू हो जाता है। वो मेंटली एक प्रॉब्लम है जिससे वो भी सफ़र कर रही है, बट डॉक्टर बोलते हैं कि इस एज में ऐसा होता है। मैंने कई सारे कमेंट्स भी ऐसे पढ़े हैं जिन्होंने लिखा था कि इस एज में ऐसा होता है, सो टेंशन मत लीजिए। बट कई बार हम लोग भी इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि नहीं आपकी कोई दवाई और नहीं है, हम आपकी दवाई टाइम पर दे रहे हैं। पहले मैं इनसे साइन करवाती थी पर अभी वो साइन भी नहीं करती है। कई बार वो इतना ज़िद करती है तो मैं कैमरा रिवाइंड करके भी दिखाती हूँ कि देखिए मैंने आपको सुबह इतने बजे दवाई दे दी थी, फिर वो बोलती है नहीं तुम तो एडिटिंग जानती हो, तुमने एडिट कर दिया है, ये आज का नहीं है, ये आज का है ही नहीं। ऐसे ऐसे हालात आते हैं मेरे सामने कई बार और राज के सामने कि हम दोनों को पता है कि हम इसे कैसे फेस करते हैं। अभी भी वो थोड़ा थोड़ा हाइपर हो रही है एंड स्लोली स्लोली इतना हाइपर हो जाएंगी कि फिर वो गुस्से में वो कन्वर्ट हो जाता है। चलिए जो भी है जाने देते हैं। मैंने अपने लिए किनोवा भिगोया है और राज और अम्मा और अनिका के लिए आज मैं खीर बना रही हूँ जिससे उनका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए अम्मा का, क्योंकि अम्मा थोड़ा सा यम्मी खाना खाती है तो थोड़ा सा अच्छी फील करती है। अभी बहुत ज़्यादा आप मुंह पर भी उनके देखिएगा थोड़ा सा मतलब अभी ऐसा टेंस वाला लुक होगा जिसमें वो यही सोच रही होंगी कि मुझे दवाई नहीं दी, मुझे गलत दवाई दे रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ऐसा होता है। एंड इन सारे बीच में उन्हें कोई एक फ़ोन भी नहीं करता है कि फ़ोन करे पूछे अम्मा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कोई पूछता भी नहीं है मेरे राज और अनिका के अलावा। सो ये चीज़ भी मुझे सच में बहुत ऐसी लगती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, किस किस को समझा सकते हैं। ये भिंडी पक रही है और मेरा किनोवा भी उबल गया है तो मैं अपने लिए ये बना रही हूँ और दाल पक रही है। मैं अपना किनोवा कैसे बनाती हूँ चलिए दिखाती हूँ, टेक्स्ट के साथ आपको सारे इंग्रेडिएंट्स पता चलेंगे।
तो ये देखिए राज यहाँ पर नशा कर रहे। ये किस चीज का नशा हो रहा है राज? अल्कोहल। इस तरह से राज सैनिटाइज करते हैं और यहाँ पर पूरा अल्कोहल, अल्कोहल वाली जो सैनिटाइजर की वो होती है ना एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, वो हो गई है। राज मुझे बोलते देखो मैं नशा कर रहा हूँ। ये कुछ अच्छा हो गया है? अरे वाह, इसका फेस वॉश आया है। हाँ तुम्हारे लिए फेस वॉश है। तो ये पी आर आइटम्स जो कल और आज में रिसीव हुए हैं, आज से ये लगाऊंगी गोरी हो जाऊंगी। गोरी होने के लिए नहीं लगाते भाई, किसने बताया? स्किन को क्लीन करने के लिए लगाते हैं। गोरा हो जाएगा ना फिर तो। ये टीवी ने ना ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स बनाई थी ना जिसकी वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ा है कि गोरा होना है। गोरा होने की जरूरत नहीं है, स्किन अच्छा। अभी अभी तो बैन हो गया है, फेयर वर्ड यूज करना ही बैन हो गया है। अच्छा हुआ एक्चुअली। हाँ अच्छा हुआ, ये बात तो सही है। जो जैसा है उसके हाथ में नहीं होना, वही ये जेनेटिक है और हर कलर खूबसूरत होता है। हमें हमारे बच्चों को यही सिखाना है। तो बेटा मैं वैसे इसको बताई हूँ कितनी बार, काला नहीं पसंद। अरे ऐसे नहीं बोलते, इट्स नॉट लाइक कि काला नहीं पसंद है। हर एक इंसान खूबसूरत रंग से नहीं बनता है, उसका अंदर से बनता है। जैसे तुम्हारे इधर पिंपल से तुमने छुपाया है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, समझे? यस यस, तो खूबसूरती कलर से नहीं है। चलो बाद में बताऊंगी तुमको, अभी ये एज इतनी समझने वाली है भी नहीं। अरे इसे हां सोचो ना हो। हां है, अरे नहीं कोर्स हो गए हैं, पर जमीनियां बेच गए थे, सोचो ना हो। तो साड़ी मैंने चेंज कर ली है, मेरी साड़ी नीचे से ख़राब हो गई थी और अम्मा कभी एक्सेप्ट नहीं करती है कि उन्होंने यूरिन पास किया है, पर मैं भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रही है, इतना तो मुझे भी पता है। अभी हो गया कोई बात नहीं। चलिए मेकअप रिमूव कर ली, जब साड़ी रिमूव कर लिया तो सोचा मेकअप भी रिमूव कर लूँ और जाऊँगी रोटी बनाऊँगी। तो मेरा डिनर रेडी है, किनोवा वाला, जो कि बहुत स्वादिष्ट बना है। बाकी सब तो अपना डिनर करेंगे, मैं ये कर रही हूँ। और सब लोग बोल रहे हैं हमें भूख नहीं है, हम थोड़ी देर बाद करेंगे, बट मैं 7:30 बजे का जो टाइम बना रखी हूँ उसी पर करूँगी, बाकी भी करेंगे 15-20 मिनट बाद। अम्मा देखा क्या बनाया मैंने, पसंद नहीं है आपको? सेवई ही नहीं पसंद? सेवई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो घर में आए हैं बहुत प्यारे प्यारे फूल जिन्हें मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए जासवंत, जासवंत, और उस वाले बालकनी में तो गुलाबी गुलाब आए हैं। और आपको मेरा अनार का फल पता है जो कई महीनों से आ रहा है? ये देखिए कई महीनों से ये अनार का फल ग्रो कर रहा है। तो जा रही हूँ नाश्ता बनाने, अम्मा से पूछ लूँ क्या खाएंगी। अम्मा नाश्ता में क्या खाओगी? आप क्या मन क्या है खाने का? और क्या खाने का मन है? चलो अच्छी बात है, अम्मा ने बोल दिया। मेरा मन जो है वो वैसे घर में पोहा, उपमा, सेवई और क्या बोलते हैं अपना चीला, इसके अलावा वैसे कुछ खास बनता भी नहीं क्योंकि सुबह इतना समय होता नहीं है। कल पोहा बना था, परसों चीला बना था, तो आज सोच रही हूँ सेवई बना लूँ। अम्मा भी मज़े से खाती है सेवई और सब लोग खाते। तो चलिए फिर सुबह होते ही यही सारी प्लानिंग हम लोग की चालू हो जाती कि क्या बनेगा क्या खाएंगे। आज मैं सोच रही हूँ कि पाव भाजी बनाऊँ, पाव भी घर पर बनाऊँ, लेट्स सी बनाऊँगी कि नहीं, पर सोच रही हूँ।
अगर समय मिला तो पक्का बनाऊंगी। अम्मा सुबह ही हुआ जुड़ गई थी और अभी बज रहे 8:30, तो अम्मा का चाय पानी सब कुछ हो गया, बस अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो 9 बजे तक नाश्ता भी हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक ज़रूर करिएगा।